हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ एक्सरसाइज 3.3। क्लास एट एक्सरसाइज 3.3 के हम क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट कर चुके हैं मेरी पिछली वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरलोग्राम हैव इक्वल मेजर। हमारे पास एक पैरलोग्राम दिया हुआ है और उसके दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जो दोनों की मेजरमेंट इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरलोग्राम। उस पैरलोग्राम के एंगल से फाइंड करो। लेट ईच एडजेसेंट एंगल्स, हमने क्या मान लिया कि दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्या लेके चल पड़े हम, एक्स, दोनों इक्वल हैं। सिंस द एडजेसेंट एंगल इन पैरलोग्राम आर 180 और हमारे पास कोई भी पैरलोग्राम है उसके एडजेसेंट एंगल्स हैं तो उनका सम क्या होता है, 180। अब हमने दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल थे तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक्स एक्स, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 180। एक्स प्लस एक्स क्या आया आपके पास से, 2x इज इक्वल टू 180। एक्स इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल करके x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 90। उसके बाद ईच एडजेसेंट एंगल इज 90। अब हमारे पास एडजेसेंट एंगल है दो, दोनों हमारे पास कितने कितने डिग्री के आए, 90 डिग्री के आए। अगर हमारे पास दोनों एडजेसेंट एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो ईच एडजेसेंट एंगल इज 90। तो हमारे पास एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स होते हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और तीनों का सम क्या होता है, 180। x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180। इसको 3 को इधर लेके आएंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 60। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर एच ओ पी ई, आपके पास एक एडजेसेंट फिगर है एच ओ पी ई इज ए पैरलोग्राम, ये एक पैरलोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड, इसमें से हमें एंगल फाइंड करना है एक्स वाई एंड जेड। स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम, और हमें लिखना है कि हमने इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, प्रॉपर्टी का यूज करके ही हमें फाइंड करना है। अब देखते हैं, हम एंगल वाई है एक्स और जेड। अब एक्स और जेड को निकालने से पहले हम वाई को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एंगल वाई है, एंगल वाई का अल्टरनेट एंगल कितना है, 40 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल वाई इज इक्वल टू 40, क्या आया, अल्टरनेट एंगल। अब ये हमारे पास कितने डिग्री का आ गया, 40 डिग्री का आ गया, ये 40 है। तो कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल के दोनों एंगल्स का हम सम करेंगे, इंटीरियर दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 70। जेड एज इट इज रहेगा, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 40। जेड प्लस 40 इज इक्वल टू 70। अब जेड इज इक्वल टू 70 माइनस 40, तो जेड हमारे पास कितना आया, 30। जेड हमारे पास क्या है, जो जेड है वो हमारे पास क्या है, एंगल ई पी एच। इसका अगर हम अल्टरनेट करते हैं तो यहाँ एंगल बनेगा, ये अगर हमारे पास जेड कितना है, 30, तो ये भी हमारे पास कितने डिग्री का आएगा, 30 डिग्री का। इस अल्टरनेट एंगल आ गए इन ट्रायंगल ई पी एच। अब हमने ट्रायंगल ले ली ई पी एच और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। एंगल एक्स प्लस 40 प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पे भी जेड लिख सकते हैं, प्लस 30 लिख देंगे जेड की जगह हम, एक्स प्लस 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस 30 70, 70 को अपोजिट साइड लेके आएंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 110। नेक्स्ट है हमारे पास द फिगर जी यू एन एस एंड आर यू एन एस आर पैरलोग्राम। हमें दो फिगर दी हुई है, दो पार्ट्स दिए हैं इसके अंदर और उसमें दो फिगर हैं, एक फिगर है जी यू एन एस एंड दूसरी है आर यू एन एस आर पैरलोग्राम। दोनों पैरलोग्राम है, फाइंड एक्स एंड वाई, और उसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं, अब देखो इन पैरलोग्राम जी यू एन एस, हमारे पास ये फिगर दी हुई है और ये हमें जी यू एन एस एक पैरलोग्राम दिया हुआ है। अगर हम एक पैरलोग्राम पे कंडीशन देखते हैं तो क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर
इक्वल, इट मींस जी यू है वो किसके इक्वल होगा, एस एन के इक्वल होगा, एंड जी एस है वो किसके इक्वल होगा, एन यू के इक्वल होगा। तो हमने क्या लिख लिया, जी एस इज इक्वल टू यू एन इज इक्वल टू जी एस, हमारे पास क्या है 3x है और यू एन क्या है हमारे पास 18, 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 3 को इधर लेके आएंगे, 3 6 जा 18, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6 सेंटीमीटर। फिर हम जी यू इज इक्वल टू एन एस ले लेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या है, जी यू हमारे पास क्या दे रखा है 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, 1 को इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, 26 प्लस 1 27, y इज इक्वल टू 3 को इधर लेके आए डिवाइड में आ जाएगा, 3 9 जा 27, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 9। इसी तरह आपके पास एक सेकंड फिगर दी हुई है इन पैरेललोग्राम आर यू एन एस। अब हमारे पास ये फिगर है आर यू एन एस, इसके अंदर देखते हैं तो हमारे पास क्या दिया, दो डायगनल्स दिए हुए हैं और डायगनल्स जो है दोनों कोई भी पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के डायगनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मीन्स एक दूसरे को हाफ में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, वाई प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 20 आ जाएगा, तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 प्लस 7 को इधर लेके आए माइनस 7, 20 में से 7 जाएगा क्या आएगा 13, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 13 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस y इज इक्वल टू 16, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 13, तो हम कर देंगे x प्लस y इज इक्वल टू 16, x प्लस वाई की वैल्यू 13 इज इक्वल टू 16, 13 को इधर लेके आएंगे, 16 माइनस 13 क्या आएगा 3, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आई 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर बोथ आर आई एस की, हमारे पास दो एक फिगर दी है उसी के अंदर दो फिगर बना रखी हैं, आर आई एस के एंड सी एल यू ई आर पैरेललोग्राम, ये दो पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और इसमें हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हेयर आर आई एस के एंड सी एल यू आर टू पैरेललोग्राम, अब ये दोनों हमारे पास क्या है कि पैरेललोग्राम है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एंगल वन नाम दे रखा है। अब ये देखो ई सी एल यू ई, अब इन दोनों के ये अपोजिट्स एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एंगल वन इज इक्वल टू क्या आएगा एंगल एल, और किसके इक्वल है 70 के इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो एंगल वन है वो हमारा कितने डिग्री का हो गया 70 डिग्री का। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एंगल के प्लस एंगल टू, क्योंकि हमारे पास आर आई एस के, एस और के हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट उसके एडजेसेंट साइड्स हैं, तो हम क्या लिख देंगे 120 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, एंगल 2 120 को इधर लेके आएंगे, 180 माइनस 120 हमारे पास क्या आएगा 60 डिग्री इन ट्रायंगल, एंगल 2 भी आ गया। अब हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास क्या बनी है कि ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180, एंगल 1 भी पता लग गया एंगल 2 भी पता लग गया, अब हम क्या निकाल देंगे x की वैल्यू, x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, x एज इट इज रख लिया, एंगल 1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 70, एंगल 2 की वैल्यू हमने क्या निकाली 60, 70 प्लस 60 क्या आ जाएगा 130 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 130 को इधर लेके आएंगे माइनस आ जाएगा, 180 माइनस 130 हमारे पास क्या आ जाएगा 50, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 50। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम, इस फिगर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इज ए ट्रेपीजियम की एक ट्रेपीजियम है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, देखते हैं कि इसकी कौन सी, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, के इसके दो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि दो हमारे पास एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो क्या लिख देंगे एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180, 100 प्लस 80 इज इक्वल टू क्या आया 180, इट मींस एंगल एम एंड एंगल आर द एडजेसेंट एंगल्स एंड सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स इज
180, इसके इंटीरियर एंगल का सम भी क्या आया 180। अब इसके अपोजिट में ये आ जाएगा, इसके अपोजिट ये आ जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 180। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास के एल है वो पैरेलल होगा किसके, एम एन के। और ये दोनों साइड अगर हमारे पास पैरेलल है तो क्या बोल देंगे, हेंस के एल एम एन इज ए ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम की कंडीशन क्या होती है कि एडजसेंट एंगल्स का सम 180 होगा एंड अपोजिट जो जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी। बट हमारे पास सिर्फ दो साइड्स इसमें पैरेलल होती हैं, ये दोनों हमारे पास पैरेलल नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इन बिलो फिगर। इस फिगर में से हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल सी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इफ ए बी, लाइन ए बी जो है हमारे पास वो पैरेलल है किसके, लाइन डी सी के। अब ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल दी हुई हैं तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमें दो लाइंस पैरेलल दी हुई हैं तो उसके एडजसेंट एंगल्स का सम भी क्या आएगा, 180 आएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हमारे पास क्या है 120 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 60। तो मेजरमेंट ऑफ सी हमारे पास क्या आएगा 60। नेक्स्ट है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस लाइन एस पी पैरेलल लाइन आर क्यू। हमारे पास दे रखा है एस पी लाइन है वो पैरेलल है इसके आर क्यू के इन फिगर। इज देयर एनी अदर मेथड टू फाइंड, क्या हमारे पास कोई और भी मेथड टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ पी। तो हमें क्या फाइंड करना है, मेजरमेंट ऑफ पी ये हमें फाइंड करना है। आर आपको दिया हुआ है 90 डिग्री का राइट एंगल दे रखा है। तो गिवन दैट हमारे पास गिवन क्या है, एंगल क्या इज इक्वल टू 130 एंड एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद हमें क्या पैरेलल दे रखा है, एस पी लाइन है वो पैरेलल है एस क्यू सॉरी आर क्यू के, ये हमें गिवन है। अगर ये हमारे पास गिवन है, ये दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं, तो एडजसेंट एंगल्स का सम क्या आएगा 180। एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। एंगल पी प्लस एंगल क्यू की जगह क्या आएगा 130 इज इक्वल टू 180। एंगल पी इज इक्वल टू 130 को अपोजिट साइड लेके आए 180 माइनस 130 50 आएगा। एंगल पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई 50 एंड एंगल एस प्लस एंगल आर, अब ये हमारे पास 50 आया। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 एडजसेंट एंगल्स हैं। तो एंगल एस प्लस एंगल आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 90 इज इक्वल टू 180। एंगल एस को इधर रखेंगे, 90 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, 180 माइनस 90 क्या आ जाएगा आपके पास से 90। एंगल एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 90। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आज हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.4। थैंक यू।